एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को बड़े आराम से कैप्चर कर लेता है और बड़ी तेजी से उसका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा है इसे लोगों को बताने और समझाने के लिए जरूरत पड़ती है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जिसे आम भाषा में एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन कहा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसकी मार्केट वैल्यू काफी फास्ट ग्रो कर रही है और उसके पीछे एडवर्टीजमेंट का बड़ा हाथ है। कंपनी का नाम है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को इस कंपनी का सीईओ कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आम आदमी पार्टी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की बात करते हैं। इसके तहत एक उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छात्रों द्वारा लिए गए 10 लाख रुपए तक के बैंक ऋण प्रदान किए जाएंगे, जहां दिल्ली सरकार डिफॉल्ट्स के मामले में बैंकों को गारंटी देगी। साल 2015 में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक योजना का ऐलान किया गया, जिसका नाम था उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना। इसका मकसद था जो बच्चे 10th और 12th के बाद पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से या कह सकते हैं घर की गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनको इस योजना उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के तहत 10 लाख तक लोन दिया जाएगा, ताकि बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें। डेट थी 12 जून 2015। इस दिन मनीष सिसोदिया ने इस अद्भुत योजना की घोषणा करते हुए कहा था, देश में पहली बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को हायर और स्किल एजुकेशन दिलाने के लिए फाइनेंस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक लोग इस बात से डरे रहते थे कि अगर बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे तो पैसा कहां से आएगा। आज हम दिल्ली में उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत सरकार उसके लोन की गारंटी लेगी। साथी सिसोदिया ने यह भी बताया था कि अभी तक जिस ब्याज पर छात्रों को लोन मिलता था, इस योजना के तहत उससे 0.5% कम ब्याज पर लोन दिए जाएंगे। सुनके कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की सरकारें हमारे फ्यूचर को लेकर कितनी सीरियस हैं। खैर, योजना की शुरुआत करी गई और अनाउंसमेंट के एक साल बाद अरविंद केजरीवाल ने इस अद्भुत योजना को लेकर एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी और अब इस योजना के तहत लोन लेने के लिए वेबसाइट पर ही सारी प्रक्रिया पूरी करने की सहूलियत दी गई। उस टाइम मनीष सिसोदिया ने एक बात और कही थी, इस स्कीम में ना किसी को लेटरल देना है, ना मार्जिन मनी देना है, ना ही थर्ड पार्टी गारंटी देनी है और ना ही प्रोसेसिंग चार्ज देना है। पोर्टल के आने से बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ भरकर बस बैंक में प्रिंट आउट जमा कराना होगा। बैंक बिना कारण के लोन के लिए मना नहीं कर सकेगा, मतलब बस आप आइए और अपना लोन लेकर जाइए और खूब पढ़ाई करके अपना ब्राइट फ्यूचर बनाइए। दिल्ली की आम जनता के लिए कितना अच्छा काम किया है सरकार ने। लेकिन अब आप इसकी सच्चाई देखिए, न्यूज लॉन्ड्री एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है जो आम पब्लिक के दिए हुए पैसे से चलता है और आम पब्लिक के लिए काम भी करता है। न्यूज लॉन्ड्री ने आम आदमी की इस योजना की हकीकत जानने के लिए एक आरटीआई डाली, जिसके जवाब में पता चला अरविंद केजरीवाल के इस जन कल्याणकारी योजना के तहत साल 2015 से 16 में 58 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और सभी 58 लोगों को लोन दिया गया। साल 2016-17 में 424 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 176 लोगों को लोन की प्राप्ति हुई। साल 2017-18 में 177 ने अप्लाई किया, 50 लोगों को लोन दिया गया। 2018-19 में 139 एप्लीकेंट में से 44 लोगों को लोन दिया गया। 2019-20 में 146 एप्लीकेशन आई, जिसमें 19 लोगों को लोन मिला। 2020-21 में 106 लोगों ने अप्लाई किया और लोन मिला 14 लोगों को। और अब साल 2021-22 में सिर्फ 89 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें सिर्फ 2 लोगों को लोन दिया गया। अब अगर मान लें कि इस साल यानी साल 2021-22 में दोनों लाभार्थियों को पूरे पूरे 10-10 लाख रुपए मिले तो टोटल होता है 20 लाख रुपए। अब आप अपना दिल थाम कर सुने, इस साल उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के लाभार्थियों को दिए गए टोटल 20 लाख रुपए, जबकि इसी साल जन कल्याणकारी योजना
उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना में प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने ज्यादा नहीं सिर्फ 19 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें प्रिंट मीडिया में 46,22,685 रुपए और टेलीविजन मीडिया को 18,81,618 रुपए सिर्फ विज्ञापन के लिए दिए गए, यानी कुल मिलाकर 19,27,00,000 रुपए इस जन कल्याणकारी योजना के विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए। योजना के लाभार्थियों को सिर्फ 20,00,000, लेकिन योजना के महिमा मंडन में 19 करोड़। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि जरूरी क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल नवंबर में बढ़ जाता है, जिसे रोकने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बायोडी कंपोजर के छिड़काव में 68,00,000 रुपए खर्च किए, जबकि इसके विज्ञापन में 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब यहां आपको फिर सोचना होगा कि आखिर जरूरी क्या है। देश की सरकारें किस चीज पर ज्यादा फोकस करती हैं, आपके भविष्य पर या अपने भविष्य पर? इसलिए पहले ही कहा था, एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को बड़े आराम से कैप्चर कर लेता है और बड़ी तेजी से उसका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा है, इसे लोगों को बताने और समझाने के लिए जरूरत पड़ती है एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जिसे आम भाषा में एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही है। उनकी योजनाएं अच्छी हैं, वो जन कल्याणकारी भी हैं, उनकी स्कीम में पब्लिक बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जितनी मेहनत आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं का महिमा मंडन करने में अपना तन मन धन लगाती है, अगर वही मन और धन उन नीतियों के लिए लगा दें तो देश की गरीब जनता का ज्यादा फायदा होगा और वही गरीब जनता उनके काम का एडवर्टाइज भी करेगी। लेकिन इस दिखावे वाली एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में देश की सभी पार्टियां मदमस्त हैं। विज्ञापन जगमग जगमग होना चाहिए, भले ही जमीन पर अंधेरा हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।